मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू मैथ्स। आज मैं आप लोग को मैथ्स पढ़ाने जा रही हूँ। योर बुक नेम इज मैथ सिक्सेस, पेज नंबर 16 to 18। टेक आउट योर मैथ्स बुक। दिस इज योर मैथ्स बुक, मैथ सिक्सेस। टेक आउट योर पेज नंबर 16। दिस इज योर पेज नंबर 16। देखिए इसमें आप लोगों को क्या पढ़ना है। क्रॉस द ऑड वन, क्रॉस द ऑड वन। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में अभी आप लोगों को बताया था, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ाया था मैंने इससे पहले के क्लास में, उसी के अनुसार ये एक्सरसाइज हम लोग को बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो। देखिए क्रॉस द ऑड वन, इसमें हम लोग को जो एक अलग है उसमें हम लोग को क्रॉस करना है। अब यहाँ जो भी पिक्चर्स दिया हुआ है उसे आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ देखिए किस किस चीज़ का पिक्चर है। ये टॉय है, ये भी टॉय है, ये टॉय है, टॉय है, ये भी टॉय है, ये भी टॉय है। ये क्या है? ये पोमियोग्रेनेट है। पोमियोग्रेनेट क्या होता है? अनार। अनार क्या है? फल है, फ्रूट है। तो ये टॉय से अलग हो जाता है, इसलिए इसे हम लोग क्रॉस कर देंगे। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट पिक्चर में। अब यहाँ देखिए यहाँ किस चीज़ का है कलेक्शन, ध्यान दीजिए। ये वाटरमेलन है, एप्पल है, एप्पल है, पाइन एप्पल है, ग्रेप्स है। ये क्या है? ये टॉय है, ठीक है। तो ये फ्रूट से अलग हो गया है, सारा फ्रूट है। और ये क्या है? टॉय है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे? कट कर देंगे। फिर नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ ये देखिए श्वान है, फिर ये ईगल है, पैरोट है, पिजन है, स्पैरो है, और ये क्या है? डॉग है। तो हम लोग क्या किसे कट करेंगे? यहाँ सब जो है बर्ड्स है, बस एक क्या है? एनिमल है। जितने भी हैं यहाँ बर्ड्स के पिक्चर हैं और ये एनिमल्स का एनिमल का पिक्चर है, इसलिए इसे हम लोग कट कर देंगे डॉग को। अब नीचे देखते हैं हम लोग, ये क्या है? एलिफेंट है, लायन है, रैट है, रैबिट है, टाइगर है, और ये क्या है? डक है। तो ये सारा जो है एनिमल में आ जाता है, जितने भी हैं ऑब्जेक्ट ये एनिमल्स हैं, और ये क्या है? डक बर्ड में आता है। तो हम लोग डक को कट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से आप लोग भी कंप्लीट कीजिएगा अपना मैथ्स के बुक में पेज नंबर 16। अब हम लोग आते हैं पेज नंबर 1717 में। दिस इज योर पेज नंबर 1717। देखिए इसमें आप लोगों को क्या पढ़ना है। इसमें आप लोगों को शेप्स पढ़ना है, SHAPES, शेप्स। एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ इट्स ओन शेप, सम आर सिमिलर एंड सम आर डिफरेंट, लेट अस लर्न एंड सी फ्यू शेप्स हेयर। एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ इट्स ओन शेप, सम आर सिमिलर एंड सम आर डिफरेंट, लेट अस लर्न एंड सी फ्यू शेप्स हेयर। ठीक है, यहाँ बहुत सारा शेप दिया गया है, कुछ समान है, कुछ अलग है, और यहाँ हम लोग कुछ शेप्स का नाम पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सर्किल, CIRCLE, सर्किल। सर्किल मीन्स गोल आकार होता है। सर्किल में क्या आता है? बॉल आता है, BALL, बॉल। CIRCLE, सर्किल। सर्किल में बॉल आता है। स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर। स्क्वायर में डाइसेस आता है, DICES, डाइसेस। ट्रायंगल, TRIANGLE, ट्रायंगल। ट्रायंगल में एग्जांपल क्या आता है? फ्लैग आता है, FLAG, फ्लैग। रेक्टेंगल, RECTANGLE, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में टेबल आता है, TABLE, टेबल। नीचे देखिए एक्सरसाइज है, कलर द डायरेक्टेड।
कलर एज डायरेक्टेड। यहाँ देखिए ट्रायंगल को रेड कलर से किया गया है, रेक्टेंगल को येलो से, सॉरी ऑरेंज से, ओवल को पर्पल नहीं पिंक से, स्क्वायर को ब्लू से, सर्कल को ग्रीन से। तो जिस कलर से इसमें किया गया है आप लोग को उसी कलर से इधर भी कलर करना है। जैसे ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल रेड है तो इसे आप लोग रेड कलर से कलर कीजिएगा। फिर ये रेक्टेंगल ऑरेंज है, यहाँ ऑरेंज कलर से कलर कीजिएगा। ओवल पिंक है, यहाँ पिंक कलर से कलर कीजिएगा। स्क्वायर ब्लू है, आप इसे स्काई ब्लू से ही कलर कीजिएगा। फिर ये सर्कल ग्रीन है, इसे आप लोग ग्रीन कलर से कलर कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं पेज नंबर 18 में। दिस इज योर पेज नंबर 1818, यूनिट 2। यहाँ देखिए वन है, ओ एन ई वन, एप्पल, ए डबल पी एल ई एप्पल। यहाँ आप लोग को क्या लिखना है, वन लिखना है। पहले तो आप लोग सी वन एंड राइट वन, बोलिए वन और लिखिए भी वन, बोल बोल के आप लोग को लिखना है। ओके तो यहाँ आप लोगों को सबसे पहले तो पेंसिल से ट्रेस करना है, पेंसिल चलानी है इस डॉटेड लाइन पे आप लोगों को। यहाँ आप लोगों को खुद से लिखना है इस तरह से, इसी तरह से आप लोग सारा बॉक्स कंप्लीट कीजिएगा। अब आप लोग नीचे, हम लोग नीचे आते हैं। यहाँ देखिए वन की स्पेलिंग लिखी हुई है, ओ एन ई वन, वन मीन्स एक, ओ एन ई वन। सबसे पहले तो आप लोग पेंसिल चलाइएगा इस पर, ओ एन ई वन ऐसे बोल बोल के आप लोग लिखिएगा ताकि आप लोग को लर्न भी हो जाए स्पेलिंग। यहाँ आप लोग को देखिए सिर्फ बीच लाइन में लिखना है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, सिर्फ बीच लाइन में आप लोगों को लिखना है, ओ एन ई वन, ऐसे ही आप लोग लिखिएगा। सिर्फ ब्लू लाइन के बीच में लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से आप लोग सारा जगह को फिल कीजिएगा। तो आज का होमवर्क है आप लोग का पेज नंबर 16, 17 एंड 18। मैं होमवर्क बोर्ड पे लिख रही हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। दिस इज योर टुडे होमवर्क, ये है आज का होमवर्क आप लोग का, डू पेज नंबर 16, 17 एंड 18 इन बुक। आप लोग को पेज नंबर 16, 17 एंड 18 बुक में बनाना है, जैसा कि मैंने अभी आप लोग को बताया है उसी तरह से आप लोग बनाइएगा। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर डे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।